भारतीय क्रिकेट की टीम वर्ल्ड कप फाइनल मैच हार गई, आपको कैसा लग रहा है? बहुत दुखी की बात है जी। किस बात का दुख है? बस हमारी टीम इंडिया हार गई। किस बात का दुख है आपको? हाँ जी। अच्छा, तो अब क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? बस फिर मेहनत तो बहुत की टीम इंडिया ने हमारी, लेकिन क्या है, बस थोड़ा सा दुख है इस बात का। खेलते सभी हैं और अपनी स्पिरिट से खेलते हैं, लेकिन जो डिजर्विंग है जीतेगा। जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी, और जो उसका ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा प्रयास किया इसलिए सफलता हासिल हुई उसको। कि जिस वजह से हारिए, साथ प्रेशर बहुत ज़्यादा था और कॉन्फिडेंस था, राजनीतिक जो लोग थे वहाँ पे उनका दबाव भी था क्योंकि इतने प्रधानमंत्री वहाँ बैठे हुए थे, तो ऑटोमेटिकली टीम प्रेशर में आ गई। एक तरह से जहाँ वर्ल्ड कप के फाइनल होने का दबाव था, दूसरे ये भी प्रेशर महसूस कर रहे थे कि अमित शाह जी भी हैं, नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ हैं जो पीएम हैं, तो टीम के ऊपर इस चीज़ का भी दबाव जी बिल्कुल दबाव था, इसलिए सही तरीके से वो खेल नहीं पाए, जो परफॉर्मेंस थी वो दे नहीं पाए जी। बड़े दुख की बात है ये जो हमारी टीम हार गई है वर्ल्ड कप में, बाकी सब जगह उनका अच्छा हो रहा, हर जगह जीती लेकिन आखिर में आके हार गया, तो इसके लिए बड़ा दुख है। वर्ल्ड कप फाइनल हारने का भारतीय क्रिकेट टीम का क्या कारण रहा है आपकी नज़रों में? मुझे लगा है जो बल्लेबाजी हुई हमारी वो अप टू द मार्क नहीं हो पाई, जैसी उम्मीद जैसी पिछले टूर्नामेंट में पूरी होती रही वैसी नहीं हो पाई। तो बैटिंग को आप दोष दे रहे हैं एक तरह से? हाँ बिल्कुल दे रहा हूँ, क्योंकि लगभग 40 ओवर में सिर्फ 2-4 बाउंड्री जो लगी है वो उसको दोष जाता है बिल्कुल पूरा। पहले तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि हमारी कंट्री के जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, सारे मैचेस लगातार जीते हैं। ये स्पोर्ट्स है, किसी को जीतना है किसी को हारना है, ये सब चलता रहता है, लेकिन अगर थ्रू आउट हम परफॉर्मेंस देखें तो इंडिया सबसे नंबर वन चल रही थी, और मेरे लिए मेरी कंट्री के हमेशा नंबर वन ही रहेगी। नहीं हारे वो एक लक फैक्टर हो सकता है, हारने का रीज़न मुझे भी यही लगता है कि कभी कभी होता है कि कोई किस्मत साथ नहीं देती। एज अ स्पोर्ट्समैन मैं भी कई बार खेलने आता हूँ, ज़रूरी नहीं होता कि हर बार मैं वो परफॉर्मेंस वही रखूँगा जो हर बार रहती है, बट मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा अपनी टीम को आगे के लिए भी, कि आगे भी वो और ऐसा ही परफॉर्मेंस जारी रखें और नेक्स्ट टाइम क्या पता नेक्स्ट टाइम जीत जाए यही है बस, थैंक यू। तो नरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आप, भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप का फाइनल हार गई है, क्या कारण रहा होगा, क्या महसूस कर रहे हैं उसके बाद? अब देखो पूरा जो टूर्नामेंट था उसमें टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, और ये तो देखो मैच है, मैच तो इसमें कुछ नहीं कह सकते, पर टीम ने अच्छा पूरा जो टूर्नामेंट है वो बहुत अच्छे से खेला है, और देखो ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी टीम थी। और कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? देखो फील तो बैड है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा, पर चलो अगली बार नेक्स्ट टाइम अच्छा वो करेंगे, अच्छा सीख मिलेगा टीम को, और अगली बार जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। कैसा लग रहा है भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप हार? हार के बहुत दुख हुआ, हमारी टीम जो हारी हमें बहुत दुख है इस बात का, क्योंकि हम बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि हमारी इंडिया जीतेगी, लेकिन हार गया, हमें बहुत दुख है। अभी तक 10 मैच हुए हैं और उनमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, सभी मैचेस हम जीते हैं, और देखिए सामने वाली टीम भी ऑस्ट्रेलिया भी एक अच्छी टीम है, लेकिन यह है कि हमारी टीम का जो अभी तक प्रदर्शन रहा है बहुत ही अच्छा रहा है, और हार जीत तो होती रहती है। मैंने तो कहा ही था पहले भी कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये बहुत वर्ल्ड चैम्पियन टीम है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इंडिया ने भी बहुत अच्छी फाइट की, लेकिन बस किस्मत के, मैंने तो आपको कहा ही था कि अब तो उसके बाद ही पता लगेगा, लेकिन फाइट बहुत अच्छी हुई है, इंडिया ने बहुत अच्छी फाइट दी, और आगे दुआ है कि इंडिया जीत जाए, जीतेगी ज़रूर, एक ना एक दिन मंजिल आसान होगी। थैंक यू।